जय जिनेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कहते सब मुझे श्रिया। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? पूछते मंदिर से। कहाँ जा रहे हैं? पहली बार श्रिया मंदिर जा रही है। यस, तो पहली बार मैं चेन्नई के मंदिर जा रही हूँ और माँ ने मस्त मेरे को साड़ी पहनाई है। ये देखो, ये मेरा लुक है। और मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में? आज बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही है श्रिया। थैंक यू। आपने पहनाई है साड़ी, मुझे तो साड़ी का सब ही नहीं आता। तो चलते हैं जल्दी, मैं आपको दिखाती हूँ चेन्नई का मंदिर कैसा। कितनी दूर है मैं यहाँ से? आधा घंटा शायद, बस 20 मिनट। चलो बस 20 मिनट दूर है, तो 20 मिनट दूर चलते हैं मंदिर फर्स्ट टाइम और देखते हैं कैसा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। सो आई एम एक्साइटेड। तो चलिए जी चलते हैं। Why are you smiling and coming? Excited? Excited? मुझे माला फेंकने दो। क्या? 9 into 9 108 होता है। सुनो, मुझे concentrate करने दो। I'm praying for us, for our healthy life, well-being and wealthy life. देखो मेरा एंगल से सही लगता है। एंटर करने से पहले हमेशा क्या? पूजा तो हो गई, मंदिर हो गया, अब नाश्ता करने कहाँ पे? अब अपना बेस बदल। कहाँ पूजा? पूजा कहाँ पर? पेट पूजा। संगीता अपेरेंटली चेंज करने वाली थी, बट इस इंसान ने मुझे चेंज नहीं करने दिया। मेरा सर और अब सब मुझे यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है गाइस बहुत। बट ठीक है, कोई बात नहीं, न्यू एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस। खुशबू आ रही है बहुत, भूख लग रही है अभी से ही। क्या एंगल होता है ये? तुम ऐसे दिखाते हो मुझे, बट आपको पता अगर आप ऐसे लोग हो ना तो मैं ऐसे आऊंगी नीचे एकदम। लंबे लोग छोटे लोगों का दुख कभी नहीं समझ पाएंगे। लो लो चिन दिखा दो चिन। वाह, अलग खुशी आ गई चेहरे पे। मुझे तो बहुत ही मस्त लग रहा है। कौन सी शॉप है वैसे? श्री मिठाई। श्री मिठाई। ओ नींद अभी भी नहीं खुल रही है रिश आपकी। उठ जाओ, हेयर कट के लिए नहीं चलना क्या? 2:30 का अपॉइंटमेंट था। अभी तो कटवाया आपने। क्या कटवाया मैंने? क्या मुंडन करावी क्या? हाँ एकदम छोटे कराओ, अभी बाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वेरी 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 बहुत ज़्यादा।
चलो गेट अप। चलिए जी, बज रहे हैं दोपहर की 3 और अब हम निकल रहे हैं ऋषि की कटिंग के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बाल हो गए थे इनके और मैंने सोचा कि नहीं यार, अब यू हैव टू लुक अ लिटिल क्लीन। मुझे भी नहीं पता इनका कौन सा फिक्स सैलून है जहाँ ये जाते हैं, तो आज मैं भी चल के देख लेती हूँ, अगर अच्छा होगा तो हम भी कुछ करा लेंगे अपने बालों में। Should I sit or what? Sorry. इतने टाइम बाद लग रहा है कि मैं थोड़ा सा रेडी होके घर से बाहर निकली हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा मेकअप नहीं किया है, नहीं थोड़ा सा तो मतलब सिर्फ एक फाउंडेशन बेस लगाया है। बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है, थोड़ी सी हल्की सी रेडी होके निकली, सुबह से ही रेडी थी एक्चुअली, सुबह हम लोग मंदिर गए थे उसके बाद से फिर मैं सोई नहीं, महाशय तो सो लिए थे मस्त आराम से। मैं थोड़ी सी एडिटिंग वेडिटिंग कर रही थी क्योंकि आज संडे है, रिश की जनरली संडे को छुट्टी रहती है फैक्ट्री की, ऑफिस की, बाकी तो वरना तो बेचारे पूरे वीक डेज पे अपने काम में बिजी रहते हैं। आई वोंट ब्लेम हिम लाइक फॉर स्लीपिंग लिटिल बिट। या जान, आपका चश्मा कहाँ है? गॉगल्स अब भी याद आया मुझे, जब मैं यहाँ व्लॉग कर रही हूँ ना तो मुझे याद आया चश्मा कहाँ है। बाल कट रहे हो और ऐसे एक्सप्रेशंस किसी से कितनी लग रही हो। गौर से जो तुम हेयर कट करा रहे हो ना, ये एक्सप्रेशंस इतना कभी मुझे देखा तुमने ऐसे, जितना अपने बालों को देख रहे हो तुम, निहार रहे हो एक एक कट है। मिस्टर ऋषभ जैन नो भी बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही? मतलब क्या, हेयर कट के बाद तुम्हारा एटीट्यूड ही बदल गया, तुम मुझे छोड़ के अंदर से चले गए? नहीं, मतलब ये क्या है, मतलब एटीट्यूड ही बदल गया हेयर कट के बाद? क्या हुआ यू? मतलब हेयर कट कराया और देखा भी नहीं कि मैं बैठी हूँ अंदर, बंदी बैठी है, नौकर के बुलाया आपको तो हो गया। जैसे ही होता है बंदियां बन जाती हैं, घर की मुलगी ताल बराबर, और कुछ नहीं होता है यहाँ पे, यही होता है, आदत डालनी पड़ेगी इस चीज की और कुछ नहीं। सो फाइनली वी आर, नहीं स्नैपचैट करने वाली थी बट मैंने सोचा व्लॉग में अपडेट दे दूं कि फाइनली वी आर डन। हर व्लॉग में मैं ऐसे लूंगी क्या तुमको? चलो कोई बात नहीं, फाइनली वी आर डन शॉपिंग फॉर समथिंग जो बताएंगे हम आने वाले व्लॉग्स में, एंड लेट्स गेट दिस स्टफ बिल्ड। बाकी तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी, करूंगी कैश कार्ड, I have my ATM right here, so let's go. अच्छा जी, डेट है क्या? Yes. So full plating guys, रिश ने की है, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं किया, and सब is done by रिश। क्या बात, क्या बात, फैब कॉम्बो खा के भाई मजा ही आ गया, फट भी गया। अब कब मंगा लेते हो ये, मुझे पता क्यों नहीं चलता है, वेयर एम आई लॉस्ट? कितने कितने गिफ्ट्स तुम दे चुके हो अभी तक मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर ना उधर ना डेट डेट होता जा रहा है तुम्हारे गिफ्ट्सों का। बाहर ना जैसे मैजिक वो होता है ना, मिस्ट्री बॉक्सेस, एक मिस्ट्री बॉक्स ही बन गए हैं सारे, और वेज नॉन वेज से है तो कुछ तो बढ़िया ही होगा। इसका बिल मैं नहीं पढ़ रही हूँ, वरना इट्स अगेन नाइकी, ओ यस इट्स अ ब्लू पेयर, साइड में दिख गया मुझे, ओ ये तो सेम है ना? हाँ सेम है ना तुम्हारे वाले? वाओ, अब हम ट्विनिंग करेंगे।